अगली खबर है नवरात्रि से जुड़ी हुई, जहां महासप्तमी पर रविवार को रतनपुर जाने वाले पदयात्रियों की भीड़ देखते ही बन रही थी। कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद शारदीय नवरात्र पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। रतनपुर आदिशक्ति माँ महामाया मंदिर जाने वालों में पदयात्रियों के अलावा बाइक पर भी यात्री गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने पहले ही इस मार्ग पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं दूसरी ओर शहर के पंडालों में माता के दर्शन करने भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही थी। सीएमडी कॉलेज मैदान से लेकर शिव टॉकी चौक, तेलीपारा, सदर बाजार, गोल बाजार, जूना बिलासपुर, दयालबंद, तोरवा, पावर हाउस, हेमूनगर और बंगाली स्कूल चौक में दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे, जिसके कारण भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आकर्षक विद्युत साज सज्जा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही थी। आपको बता दें कि सप्तमी के अवसर पर रतनपुर मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। बिलासपुर सहित अन्य दिशाओं से रतनपुर आने वाले हजारों की संख्या में पदयात्री रतनपुर निकले। बड़ी संख्या में पुलिस तथा यातायात का बल सुगम व सुरक्षित व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। सभी प्रकार के भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर, हाईवा, कैप्सून व मल्टी एक्सल वाहन रतनपुर दिशा की ओर दोनों दिशाओं से प्रदेश को प्रतिबंधित किया गया था। इसी प्रकार कार, दुपहिया वाहन इस मार्ग पर अपनी अपनी दिशाओं में नियंत्रित गति से चलने की छूट थी। कोरबा से जाली मोड़ से सीपत व मोक्का गुरु नानक चौक मोड़ से बिलासपुर से गिट्टी बाईपास से रायपुर की ओर जाने वाले मार्ग का दोनों दिशाओं के लिए उपयोग करते नजर आए। सप्तमी दिवस के दौरान मार्ग प्रतिबंधित होने का समय 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक, पदयात्रा समाप्ति तक सभी प्रकार के भारी वाहनों व बस की रतनपुर दिशा की ओर प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार के मालवाह, मेटाडोर, ट्रैक्टर, आइसर ट्रक, हाईवा ट्रेलर, एक्सल व मल्टी एक्सल वाहनों के लिए तुर्काडीह बाईपास पुल के उस पार, 3 सेंद्री बाईपास मोक्का दिशा की ओर, गौरेला रोड रतनपुर दिशा की ओर फॉरेस्ट बैरियर, 6 कोटा से खानपुर रोड, 6 सेंद्री मोका बाईपास, 7 सकरी मोड़, इन सभी पॉइंट पर यातायात के अधिकारी व जवान व थाना के सहायतार्थ बल की तैनाती की जाएगी। बिलासपुर से रतनपुर मार्ग में 5 पेट्रोलिंग दल व कोनी थाना तथा रतनपुर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ ही यातायात हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी नियमित गश्त करेगी। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। अस्थायी चौकी भी विभिन्न जगहों पर खोली गई थी।